पश्चिमी यूपी की चुनावी लड़ाई अब करो या मरो के दौर में पहुंच गई है। बीजेपी ने यहां के समीकरण साधने की कोशिश में ताकत झोंक दी है, अपने तमाम दिग्गजों को एक साथ मैदान में उतारा है। अमित शाह ने मथुरा वृंदावन में प्रचार किया और अखिलेश पर धुआंधार वार किए। बांके बिहारी के आंगन में अमित शाह, आराध्य की आराधना करते अमित शाह, गली गली द्वारे द्वारे दस्तक देते अमित शाह, वृंदावन की तंग गलियां आज गुलजार हो गई। भक्तों का तो यहाँ रोजाना तांता लगा रहता है। आज चुनावी भक्ति के खूब नजारे दिखे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वृंदावन मथुरा आए, पहले तो भगवान की भक्ति हुई और फिर जनता जनार्दन की। चुनाव आयोग ने बंदिशें लगा रखी हैं, इसलिए अमित शाह के प्रचार अभियान का दायरा ज्यादा बड़ा नहीं हो पाया। उन्होंने घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की और बीजेपी की जीत का आशीर्वाद मांगा। मथुरा में वोटरों से संवाद उसी सिलसिले की एक कड़ी थी। हमारे यहाँ कहते हैं, नैनिहाल में भोजन करने बैठो और माँ परोसने वाली हो तो कोई दिक्कत आती है भाई? खाने में आती है बताओ? अब यूपी का विकास करना है, आपने वोट भी दिए और मोदी जी भी उत्तर प्रदेश से जीतकर देश के प्रधानमंत्री बने हैं। यूपी वालों को तो दोनों हाथों में लड्डू है। मित्रों, उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाले 5 साल के लिए उत्तर प्रदेश किस पार्टी के हाथ में, किस विचारधारा के हाथ में जाएगा, इसका चुनाव। मथुरा की ये यात्रा यूं ही नहीं है, मथुरा बीजेपी के लिए खास है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण साकार हो रहा है, काशी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ और अब अगला पड़ाव मथुरा का है। भूमि, यही भूमि पर ढेर सारे अत्याचारों को करने वाले कंस का वध भी हुआ। मथुरा की दिव्यता भव्यता लौटाना, उसकी आध्यात्मिक ऊंचाई को जरा भी कम करे बगैर उसको आधुनिक से आधुनिक तीर्थस्थान बनाना, ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य। मथुरा एक ऐसी सीट है जहां जाट और ब्राह्मण वोटरों का दबदबा है। योगी सरकार में मंत्री श्रीकांत शर्मा उम्मीदवार हैं। मथुरा के बहाने अमित शाह ने अखिलेश पर निशाना साधा। और अखिलेश बाबू, और वहीं कश्मीर को लेकर, एक देश में दो विधान दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। ये तमाम उपलब्धियां आपने गिना दी श्रीकांत जी। तो पहले अयोध्या में राम मंदिर, उसके बाद वाराणसी में मंदिर, अगला मंदिर मथुरा में, विकास पर बोलने की जो ध्रुवीकरण का हम पर आरोप लगा रहे हैं, अगला मंदिर मथुरा में। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ध्रुवीकरण का जो हम, मैं आ रहा हूं उसी पर, लेकिन जो बेसिक नीड्स हैं जो आम जन की, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, और जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो हमारा मुद्दा है उस पर भी हम काम कर रहे हैं। अगर अयोध्या में जो दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसकी अपेक्षा कांग्रेस शासन में और सपा बसपा के शासन में ये सनातनी कभी कर नहीं सकते थे, क्योंकि ये वही लोग हैं जो राम मंदिर के निर्माण पर सवाल खड़े करते थे, ये वही लोग हैं जो राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े करते थे, ये वही लोग हैं जिन्होंने अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलाई थी। तो ऐसे लोगों से मंदिर निर्माण की अपेक्षा आप नहीं कर सकते। हमारे प्रधानमंत्री जी ने काशी का मॉडल दिया है, भव्य और दिव्य कॉरिडोर बनाया है, उसी तर्ज पर जहां हमारे भगवान कृष्ण विराजमान है, जो गर्भगृह है, इसको दिव्यता भव्यता देना हमारा काम है, क्योंकि भगवान कृष्ण हमारी आत्मा है, और अगर उनके स्थान को दिव्यता भव्यता अगर हम नहीं देंगे, हमारी सरकार नहीं देगी, तो कौन देगा? तो ये तो हमारी प्रतिबद्धता है, वैचारिक प्रतिबद्धता है, सब लोग जानते हैं। जाट वोटरों पर आ जाते हैं। कल एक अहम मुलाकात हुई अमित शाह की, जिसमें कई अहम जाट नेताओं से वो मिले। उसके बाद ये कहा गया कि जाट सब खुश हैं आपकी पार्टी से, आपको सारा जाट वोट मिल रहा है। अगर ऐसी ही बात थी तो फिर जयंत चौधरी को अपने पाले में लाने की कोशिश क्यों की जा रही है? और तभी उनकी तरफ से पलटवार भी आया, उन्होंने कहा मैं कोई चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊं। देखिए,
कौन क्या है, कौन चवन्नी अपने आप को कह रहा है, कौन अठन्नी कह रहा है, इसमें भाजपा का कोई सरोकार नहीं है। हम ना किसी को चवन्नी कह रहे हैं, ना किसी को हम अठन्नी कह रहे हैं। नहीं तो आप उनको हम तो ये कह रहे हैं कि भाजपा एक मजबूत ही है, उनकी अहमियत तो आप जानते हैं, उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि उन्होंने गलत पार्टी से हाथ मिला लिया है, तो सही पार्टी बीजेपी थी उनके लिए। पोस्ट पोल अलायंस की संभावनाएं अभी भी बनी हुई है क्या? हमारे हमारे पाले में उत्तर प्रदेश की जनता है, हमारे पाले में वह सब परिवार हैं जो इस प्रदेश से गुंडई को समाप्त करना चाहते हैं, वह सब परिवार हमारे पाले में है जो अंधेरे से जिनको हमने मुक्त किया है, वह सब परिवार हमारे पाले में है जो माफिया से परेशान थे, भू माफिया से, खनन माफिया से, शराब माफिया से, वह सब हमारे पाले में है। जो बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं चाहते हैं वो सब हमारे पाले में है, बेहतर शिक्षा चाहते हैं वो सब हमारे पाले में है, और प्रदेश की प्रगति जो चाहते हैं, यह प्रदेश एक नंबर का प्रदेश बने, वो सब हमारे पाले में है। तो हम तो 100% की राजनीति करते हैं, हम 20% की राजनीति नहीं करते। तो इसलिए चाहे कोई भी जाति वर्ग क्यों ना हो, हम सबके लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का स्लोगन है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो सभी को साथ लेकर चल रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी, इन्होंने तुष्टिकरण की राजनीति की, जातिवाद की राजनीति की। एक दल आता था, सपा आती थी तो एक विशेष जाति की राजनीति करते थे, बसपा आती थी तो एक विशेष जाति की राजनीति करते थे, कांग्रेस आती थी तो तुष्टिकरण की राजनीति करती थी। हमारी सरकार में बताइए कौन ऐसा घर है जिसमें बिजली नहीं है, कौन ऐसा गरीब है जिसको राशन नहीं मिल रहा है दो दो बार, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको हमने वैक्सीन नहीं लगाई, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं मिल रहा। हमने समान रूप से पूरे प्रदेशवासियों को एक साथ हम लेकर चल रहे हैं। तो तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप हम पर कोई न लगाए, बल्कि अपने गिरेबान में झांक कर देते हैं। जिनके घर का चिराग बुझ गया, जिनमें से एक सदस्य चला गया इस पूरे आंदोलन में। देखिए, मैं कौन क्या कह रहा है मेरा विषय नहीं है, मैं उस पर एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता, ना आपकी ना अपनी। ये चुनाव विकास के मुद्दे पर है और मेरे पास में विकास का बहुत मोटा पुलंदा है। मैं 2 घंटे अगर बोलूं अपने क्षेत्र के विकास पर तो 2 घंटे कम होंगे। तो ये चुनाव विकास का चुनाव है। 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश कैसा था, 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश कैसा है, फर्क साफ है। 2014 से पहले का भारत कैसा था, 2014 के बाद का भारत कैसा है, फर्क साफ है। जिन लोगों का आप जिक्र कर रही हैं अपने चैनल पर, जमीन पर उनका कोई वजूद नहीं है, उनका वजूद पूरी तरह से समाप्त हो गया है। अखिलेश यादव जी ने सरकार में रहकर, पूर्ण बहुमत की सरकार में अखिलेश यादव जी जब थे, तभी उन्होंने बैसाखी का सहारा लेकर वो अगले चुनाव में गए थे, क्योंकि उनको भरोसा अपने आप पर नहीं था। बहुत मैं ज्यादा ये जो जुड़ने के लिए चैनल पर बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।